हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और दिवाली का त्यौहार आप लोग का कैसा रहा? हम लोग का भी बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि दिल्ली में पहली बार दिवाली मनाए बहुत दिनों के बाद। और हम लोग हमेशा घर चले जाते थे, यहाँ कभी नहीं मनाते थे। तो इस बार टिकट के कारण आप लोग देखे होंगे कि ट्रेन में कितनी ज़्यादा भीड़ थी। टिकट कंफर्म होने के बाद भी किसी को सीट भी नहीं मिल रहा था, तो इसलिए हम लोग जा नहीं पाए दिवाली में। बार बार जाने में बहुत परेशानी होती है बच्चों को लेके, तो इस बार दिल्ली में ही दिवाली मनाए। और आप लोग कहाँ मनाए तो कमेंट करिएगा। और आज कल तो नहाए खाए था और आज है खरना, तो छठ पर भी मेरा दिल्ली में ही होगा। अब यहाँ पे छठ कहाँ करते हैं मुझे तो पता भी नहीं है। आप लोग करते हैं नहीं करते हैं ये भी कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आप लोग के आसपास में छठ पूजा होता है। यहाँ तो पता नहीं अब कहाँ होता है, मुझे अगर पता कहीं होगा तो जाके देखूँगी और आप लोग को भी दिखाऊँगी कि वहाँ कहाँ छठ पूजा हो रहा है। तो आज है खरना का दिन, मुझे बहुत याद आ रही है गाँव का। गाँव नहीं जाने से एक लगता है कि ये घर चार दीवार के बीच में ना दिवाली ना होली कुछ पता नहीं चलती, और छठ पूजा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई छठ पूजा का गाना भी नहीं सुनता। तो आप लोग को कैसे पता चलेगा, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि यहाँ छठ हो भी रहा है? मुझे नहीं पता चलता कुछ भी यहाँ। तो आप लोग गाँव जा रहे होंगे या गाँव में होंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने गांव का त्यौहार। और दिल्ली का क्या है, दिल्ली का तो सिर्फ दिल वालों के लिए दिल्ली और दिवाली, अच्छे से मनाओ मिठाइयाँ खाओ बस हो गया। हम लोग का तो असली त्यौहार छठ पूजा है, जो छठ पूजा में हम लोग को बहुत ही मज़ा आता है, आनंद आता है। हर त्यौहार में शामिल रहते हैं तो अपने फैमिली के बीच। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं। और देखिए आज ये देखिए मेरी बेटी सो रही है शाम हो गई है फिर भी ये सो रही है। और मौसम बहुत ही ठंडा होने लगा है, ठंडा गिर गई है। अब सबको स्वेटर पहनाना बहुत ज़रूरी है, हर जगह दिल्ली में ज़्यादा ठंड लग रही है। ऐसे बिहार में भी बोल रहे हैं कि ठंड है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और ये देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, किचन में ये दूध मैं गर्म कर रही हूँ ये देखिए। और मैं बनाऊँगी अभी इसका चाय, तो आप लोग भी आ जाइए पीने चाय। अदरक तुलसी का पत्ता डाल के चाय बना रही हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने, शाम का समय हो गया है। और ये थोड़ा सा ये रखा हुआ था दलिया, देखिए गाइस दलिया, दलिया के साथ दूध बहुत पसंद आते हैं लोग को, और मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने एक बार दो बार जो भी खाएंगे दूध दलिया चाहिए, दूध दलिया चाहिए, तो उनको बस वही गर्म करके मैं अभी दी हूँ, वही खा के बस अभी सोई हुई है। और देख जल्दी से आइए आप लोग, जल्दी जल्दी आइए, चाय बना रही हूँ, चाय पी लीजिए। और मैं शॉर्ट वीडियो बनाई हूँ, बहुत सारा शॉर्ट वीडियो, आप लोग प्लीज़ जाके देखिए और सपोर्ट करिए हम लोग को भी, जिससे आप लोग की वजह से हम लोग भी आगे बढ़ पाए, हम लोग को अभी कुछ हो सके। बहुत दिनों से वीडियो बना रही हूँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, हेल्प करें, तो आप लोग का बहुत ही धन्यवाद होगा। और देखिए मैं अगर कहीं गलत बना रही हूँ, कहीं कुछ गलती कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप वो सब भी बताइए कि कहाँ मैं गलत कर रही हूँ, कहाँ क्या हो रहा है। अगर गलत हो रही है तो आप प्लीज़ वो भी बताइए और कमेंट करिए कि आप लोग यहाँ गलत कर रहे हैं। आपको मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी, आप लोग बस एक कमेंट करिए, मैं कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। और आप करेंगे तो मैं देखती रहूँगी कि आप लोग कहाँ गलत है। मैं ज़रूर कोशिश करने की, हमेशा कोशिश ही करूँगी कि मैं कहाँ गलत हूँ नहीं हूँ। ऐसे मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ हूँ, बस बनाया वीडियो और डाल दिया,
तो मुझे पता नहीं चलती है, और जैसे ही पता चलेगी तो मैं कोशिश करूंगी अपने आप को सुधारने की। और देखिएगा, दिवाली का भी वीडियो बनाई थी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी ये वाला भी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी ना लाइक आया ना कुछ भी आया। तो मुझे लगता है मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊं, बंद ही कर दूं सारा, कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप लोग बताइए मुझे कि मैं यहीं से अकाउंट ही बंद कर दूं, कि आगे बनाऊं और अच्छा बनाऊं, क्या करूं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, सपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। सपोर्ट आप लोग करेंगे तभी आगे हम लोग बढ़ पाएंगे, हम लोग के जैसे कितनी सारी महिलाएं होंगे तो हम लोग भी आगे बढ़ पाएंगे। और ये देखिए गाइज, ये क्या है, मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ आप लोग को। ये देखिए, मुझसे खुल ही नहीं रहा है, बहुत दिन हो गए हैं, 2-3 दिन हो गया होगा इसको बंद ही किए हो, खुल नहीं रहा है। ये देखिए, देखिए गाइज, ये खुल गया है। और ये क्या है मैं आपको बताती हूँ, आप लोग बता सकते हो आप। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, एक पाउडर है जो बहुत ही गुणकारी है, हम लोग करके देखे हैं, खा के देखे हैं। ये पाउडर है, थोड़ी सी मिश्री, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा मूंगफली और थोड़ा सा एक और मखाने, हाँ मखाने को रोस्ट करके और उसको ग्राइंड अच्छे से करके आप एक पाउडर बना लें। और इससे आप 1 चम्मच खाने से आधे घंटे पहले आप इसे पाउडर अगर लोगे तो हड्डियां मजबूत होगी, हड्डियों में जैसे दर्द हो जाती है, अकड़न होती है, ये सब होगी नहीं, हमेशा ठीक रहती है और हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। लगेगा आप 1 हफ्ता ही खाने से तो लगेगा कि हाँ मैंने कुछ खाया है। हाँ एक चीज़ तो बताना भूल ही गई मैं आपको, इसमें नारियल भी डालना है, जो गड़ी गोला होता है गोला सा, उसको भी डालना है आपको। और मिश्री और सौंफ, मूंगफली और एक मखाने, ये सब डाल के आपको एक पेस्ट बना लेना है। और आप कंटेनर में बंद कर सकते हो, आप 1 चम्मच को डेली दूध के साथ लेंगे, आपको खुद महसूस होगा। जिनको हो रहा है, जिनको नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बनाई हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसा कोई है नहीं कि हाँ आपको पीना ही पड़ेगा, आपको बनाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इसलिए बनाने में बोल रही हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे स्वस्थ रहेंगे और घर पैर हाथ की दर्द हमेशा के लिए ठीक रहेगा। आप 2 से 4 दिन भी पियोगे तो आपको पता चलेगी, बहुत दिन के बाद तो बनाई लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। मैं 2 दिन 3 दिन पी के देखी लगातार, तो थोड़ा अच्छा काम करता है, इसलिए मैं सोची अपनी फैमिली के साथ शेयर करूं और बातें करूं, बताऊं कि कुछ जिनको दर्द हो रहा होगा तो फिर वो ये दवाई पी के, दूध पी के। और इसमें तो सौंफ भी है ना, तो सौंफ आपको खाना को पचा भी देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, मिश्री खराब करेगा आपको शरीर को, और ना ही मखाने, ना ही मूंगफली, ना ही नारियल, ये सब तो कोई नेचुरल चीज़ है, नेचुरल घर का बना हुआ है। तो बस दूध उबाला और उसमें 1 चम्मच डाल के आराम से पी के फिर सो गए। और एक चीज़ मैं और आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा गाइस, ये क्या है, ये क्या है आप लोग बताइएगा। एक ये बहुत दूर से आया है, कोई देने आए हैं और मुझे उतना पसंद नहीं है, ये बहुत दादी नानी का बनाया हुआ, ये लोग पुराने जमाने के लोग ये बनाते हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा ये है क्या। बहुत सारे हैं, देखिएगा, ये देखिए बहुत सारे, ये देखिए है ना, बहुत सारे हैं ना। तो यह है जो आम का रस निकाल के और एक पेपर पे किसी किसी को बन लो, उसको सुखा के बहुत दिनों तक, 1-1 साल तक रखते हैं, उसके बाद फिर खाते हैं।
और देने तो आ गए, मुझे पसंद ही नहीं आए, खाने में बिल्कुल बेकार लगा, तो अब वापस भी नहीं कर सकते और ना ही इसका मुझे नाम पता है, नाम क्या है पता नहीं, ऐसे खुशबू भी अजीब सी स्मेल आ रही है इसकी। तो आप लोग को नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा नाम इसका क्या है, मुझे नहीं पता। देखिए दूध भी उबल गया है, बस चाय बन रहा है, लोग चाय पी के जा आ जाओ तो चाय पी लो, गांव के लोग ऐसे भी अच्छा चाय बनाते हैं, अदरक तुलसी पत्ता सब डाल के। मौसम अजीब सा हो रहा है, ठंड जैसा हो रहा है ना। धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, और प्लीज़ वीडियो शॉर्ट वीडियो जाके देखिए आप लोग को कैसा लग रहा है, लोग स्किप मत करिए, वीडियो को देखिए पूरा और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद आप लोगों।